तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट होते हैं, फट जाते हैं, तो वो किस कारण की वजह से फट जाते हैं। जैसे नथिंग का फ़ोन फर्स्ट आया था, उसमें अच्छे से वर्क नहीं किया गया था, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था, उसके कारण किसी एक इश्यू की वजह से वह मोबाइल फट गया। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फटने वाली दिक्कत ज़्यादातर मोबाइलों में आती है। जैसे ओप्पो का फटा था, वन प्लस नोट सी टू फटा था, और कई मोबाइल ऐसे थे जो फट गए थे। तो वो सैमसंग वालों भी काफ़ी जो जेड टू प्रो थे, जो स्मॉल फ़ोन आते थे, वो काफ़ी फट जाते थे। मतलब इनमें जो कई में तो ये हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा होता था। मतलब आप ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हो तो वो काफ़ी हीट करने लगता है, मतलब गर्म हो जाता है, जिससे कारण कि मोबाइल फटने की संभावना अधिक होती है। और आप ज़्यादातर मोबाइल को चार्जिंग के समय खेलते रहते हो, मतलब यूज करते हो, तो वो कम किया करो, उसके कारण मोबाइल हीट होता है और फटने की काफ़ी चांस हो जाते हैं। आप उसमें जो हीटिंग होती है, तो उसमें आप कहीं ठंडी जगह कूलर वॉशिंग या कूलर पर या फ्रिज के अंदर रख दीजिए, ताकि वो हीटिंग पावर है उसकी कम हो जाए, और फिर आप उसे आराम से करें। कई मोबाइल में बैटरी से, तो आप उसी मोबाइल को जिसमें कई सालों से मोबाइल एक दो साल तक ही अच्छे से चलता है, और फिर उसकी जो बैटरी से वो बैटरी लाइफ उसकी कम होने लगती है, लेज होने लगती है, मतलब वो बैटरी कारण वो फटने बैटरी फूल जाती है, मतलब ख़राब होने की आती है, केमिकल बाहर आने लगते हैं। तो इस कारण मोबाइल की जो लाइफ है वो काफ़ी कम होने लगती है, जिस कारण कि वो काफ़ी हीट वगैरह करने लगता है, लैग वर्ग, तो उसके कारण वो फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब अपने जो ज़्यादा ईयर्स हो गए, मतलब 2-3 ईयर्स हो गए, तो आप उस फ़ोन को अपने पास लेकर मत सोना, और कभी भी फ़ोन को अपनी जेब पॉकेट के अंदर मत रखना, क्योंकि जो फ़ोन ज़्यादा दिनों तक हो जाता है वो काफ़ी इश्यू करने लगता है, फटने में काफ़ी उसके चांस हो जाते हैं। तो ये सब आपको बता दें, धूप वाले इलाकों में कम जाएं, उससे फ़ोन को काफ़ी डेंजर होता है, मतलब हीट करने लगता है, तो मोबाइल काफ़ी अंदर ही चलाएं। तो आजकल तो मोबाइल में कूलिंग का वगैरह सिस्टम देते हैं, मतलब गेमिंग कर सकते हो आराम से, मतलब जो पहले वाले मोबाइल थे काफ़ी फट रहे हैं। तो ये सब आपको जनरल नॉलेज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपको कहीं भी जा रहे हो तो फ़ोन को अपने से हर्ट वगैरह से दूर रखें, ताकि बचने का चांस हो, तो ये आपको काफ़ी ज़रूरी है। मतलब फ़ोन जो काफ़ी पुराना हो जाता है ना, उससे आप दूर रहिए, इतना ही अच्छा है। मतलब उसे फेंक डालिए या बेच डालिए, बेचना तो दूसरों के लिए हानि हो जाएगा, मतलब उसे फेंक दीजिए। तो ये सब कारण है। तो इशू जो हिट करता है ना, उस मोबाइल को काफ़ी ठंडे होने दें। जो आप गेमिंग वगैरह करते हो, इस पर काफ़ी थोड़ा पेशेंस रखें। जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं गेमिंग के लगाते हैं, उस पर आप गेमिंग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक लीजिए, जय भारत, टेक केयर।